जनाब डॉक्टर अनायतुल्लाह साहब, kindly take a few minutes. डॉक्टर अनायतुल्लाह साहब हमारे बुजुर्ग हैं, राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं. कश्मीर की तारीख के बहुत से नुक्ते अभी पोशीदा हैं. कश्मीर की तारीख जो है उसको बहुत हिस्से सुप्रेस कर दिए गए हैं और अनफॉर्चुनेटली लगता है कि वो सुप्रेस हिस्से शायद हमारे कश्मीरी लीडरों को भी नहीं मालूम. नंबर एक, तीन चार कमेंट जल्दी से कर दूंगा. मुस्लिम लीग की पॉलिसी जो है उसका नतीजा है कश्मीर की प्रॉब्लम. मुस्लिम लीग जिसके ऊपर काफी डोमिनेशन इन राजाओं और नवाबों की थी, खासकर तीन चार की, उन्होंने बड़े अरसा पहले ये तय कर दिया था कि पाकिस्तान सिर्फ ब्रिटिश इंडिया से बनेगा, जो रियासतें होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी और उनके रूलर डिसाइड करेंगे कि किस तरफ जाना है. ये 3 जून के बाद आंसर नहीं हुआ, ये कोई 25 साल पहले पॉलिसी मौजूद थी. नंबर टू, जिस वक्त पार्टीशन 3 जून को तय हो गया उसके बाद भी आपके सबसे बड़े लीडर की पॉलिसी ये थी. हाँ, सबसे बड़े लीडर से मुराद कायद आजम. उन्होंने बिल्कुल ऐलान किया हुआ था कि कश्मीर जो है वहां प्लेबिसाइट के जरिए नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट कश्मीर अंडर राजा. नोट कर लीजिए, इंडिपेंडेंट कश्मीर की स्ट्रगल करो बट अंडर राजा. पहला उसका एविडेंस था, इनका भी आप नजर किया कि 10 जुलाई को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो एक्टिंग लीडर थे उन्होंने खुल के बयान दिया कि हमें हदायत दी गई है कि कश्मीर इंडिपेंडेंट बट अंडर राजा. इसकी तस्दीक मजीद इस बात से हुई कि अब्बास उस वक्त जेल में थे, मौलवी नूरुद्दीन उनके साथ जेल में थे श्रीनगर में, उन्होंने बायकॉट शुरू किया हुआ था. उनको जेल में एक लेटर पहुंचा कायदे आजम की तरफ से कि आपने स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अंडर राजा करनी है. उन्होंने डिसबिलीव किया अब्बास ने कि कैसे हो सकता है कि हमें ऐसे आर्डर दिया जा सकता है. उन्होंने खुर्शीद को जो सेक्रेटरी थे उनको दोबारा मैसेज भेजा कि प्लीज चेक इफ दिस लेटर इज ए जेन्युइन. जवाब गया कि हाँ ये लेटर जेन्युइन है और ये कायदे आजम की आपको इंस्ट्रक्शन है. जिस वक्त 19 जुलाई को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने मीट किया जिसमें सरदार इब्राहिम और दूसरे लोग मौजूद थे, उसमें भी एक्टिंग चेयरमैन जो थे उन्होंने कहा जी हमें हदायत है इंडिपेंडेंट कश्मीर अंडर राजा. तो वहां सरदार इब्राहिम थे जिन्होंने उठ के कहा कि हम इस राजा के तहत किसी सूरत में नहीं रहना चाहते, खाक कोई भी हमें हदायत दे. चुनाचे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वो रेजोल्यूशन रिजेक्ट करके तो इन लोगों ने टू जॉइन पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास किया. ये भी फैक्ट आप अपने सामने रखे. वो उसी से कश्मीर की स्ट्रगल पैदा होती है. इंडिपेंडेंस का आइडिया अंडर राजा उसी वक्त खत्म हो गया था. दूसरा फैक्ट जिसके अभी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुई, 27 को अटैक होता है इंडियन फोर्सेस का, 27 अक्टूबर को, 30 को लाहौर में कॉन्फ्रेंस होती है बिटवीन जिना लॉर्ड माउंटबेटन. उसमें कोई और तीसरा शख्स नहीं था, इवन प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली भी नहीं था, सिर्फ लॉर्ड इसमें उसके नोट्स ले रहे थे. एक बड़े अरसे तक उनको नोट्स को छापा नहीं गया, सुप्रेस किया गया है. अब वो नोट्स हमें अवेलेबल है, अगर आप पढ़ना चाहें मेरे पास कापियां मौजूद हैं. क्या है उस नोट्स में? रिपीटेडली माउंटबेटन कहता है कि आप मिस्टर जिना 3 जगहों पे रेफरेंडम करवाइए और मसला हम सेटल कर देंगे, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद.
कायदेआज़म का जवाब बिल्कुल क्लियरली कि there is no need of any plebiscite and referendum. We already know who is going to go with whom. आपको मैं अर्ज करता हूँ नवाब जूनागढ़ को, जो उस वक्त तक इंडिया कैप्चर कर चुका था, कि उसको अर्ज करता हूँ कि वो लेजिटिमेटली आपके साथ इंडिया के साथ एक्सीड कर ले, लेकिन कश्मीर आप हमें दे दें, रेफरेंडम की जरूरत नहीं है, कश्मीर आप हमें दे दें, ये वर्ड है, और हैदराबाद की आप बात भी ना करें, तो वो हमारा उनके ऊपर कोई असर नहीं. तो जना माउंट बैटन कहता है जी आज ही तो आपको हैदराबाद से आके दिल्ली डेलीगेट मिला है, उसका नहीं वो प्राइवेट डेलीगेट था, उसमें कोई हमने हैदराबाद की तो जो सिग्निफिकेंट पार्ट है कश्मीर के तारीख के, वो दो तीन ये चीजें सामने रख के डिस्कस करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच.